तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं फिर अपडेट देने जा रहा हूँ टर्टल पॉन्ड का। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम टर्टल पॉन्ड बना रहे हैं। लास्ट टाइम की वीडियो में अपलोड व्लॉग में अपलोड किया था कि ये कंप्लीट हो चुका है थोड़ा बहुत करके, लेकिन अभी देख सकते हैं यहाँ पर हमने थोड़े चेंजेस किए हैं। तो भी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पहले हमने एक ईंट का जो है यहाँ तक ही बांधा हुआ था, लेकिन हम लोग छोटा लग रहा था ताकि फिशेज टर्टल जो है थोड़ा स्विम एंजॉय कर पाए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि एक जो है आप एक बढ़ा लो ताकि टर्टल्स एंजॉय कर पाए, इसलिए हमने एक जो ऊपर की ईंट वाली जो है लाइन वो बढ़ा ली है। और यहाँ पर इसलिए छोड़ा है, यहाँ पर एक लैडर्स की तरह बनाएंगे, कुछ देखेंगे यहाँ पर जो जिसे टर्टल्स यहाँ पर जाकर आराम से सैंड में बैठ सके, और सैंड यहाँ तक ही फिल होगी यहाँ तक ताकि ये ऊपर जम ना कर पाए। अभी टाइल्स का काम चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर ये टाइल्स भी हमने चुनकर लाई है, एक एक दो दो पीस। सारे बहुत सारे डिज़ाइन मिल रहे थे, लेकिन हमने जो फिशेस थी वो एक एक पीस मिल रही थी उसको सेलेक्ट करके लेके आए ताकि थोड़ा लुक और अच्छा लगे। तो इतने टर्टल्स हैं और यहाँ का आज कंप्लीट हो जाएगा। अभी तकरीबन आज शायद कल कंप्लीट हो जाएगा सारे जो टाइल्स हैं। कल परसों में हम थोड़ा बहुत क्यूरिंग करके थर्ड डे हम टर्टल डाल सकते हैं, लेकिन अभी जो ऊपर का मेस का काम है, जैसा मैं बोल रहा था कि मेस का काम जहाँ पर ताला लगेगा यहाँ पर मेसा के ऊपर जो शीट का एक फ्रेम आएगा ताकि बारिश ना पड़े, उसके लिए अभी लॉकडाउन लगा है। अभी गैरेज सब खुला हुआ नहीं है यहाँ पर बेंगलोर के अंदर सब जगह, तो उसके लिए अभी मेरे हिसाब से और एक हफ्ता दो हफ्ता वेट करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तो ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है, हम टाइल्स आज लगा रहे हैं और प्लास्टिंग भी कर चुके हैं, प्लास्टिंग भी हो गई है। ताकि प्लास्टिंग में हमने जो ऑयल आता है वहाँ पर देखिए ऑयल रखा हुआ है, वो ऑयल जो क्यूरिंग इसका होता है लीकेज ऑयल वो डाला हुआ है, इसमें भी लीकेज ऑयल डाला हुआ है ताकि पानी लीक ना कर सके। 100% हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि पानी क्योर नहीं होगा, 100% और गारंटी भी है कि पानी क्योर लीक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह हम लोग नीचे तीन इंच बेडिंग में डाले हुए हैं कॉन्क्रीट, उसके ऊपर बन रहे हैं और नीचे भी सीमेंट की जो है डाला हुआ है, उसके बाद टाइल्स भी डालेंगे। अगर आप पेंट करते तो हो सकता था ये लीक हो, लेकिन अभी सारा का सारा टाइल्स डाल रहे हैं तो बहुत कम चांस है, 99.9% जो है गारंटी है कि ये लीक नहीं होगा। तो अभी तक बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कितना खर्चा आया है बताओ, कि देखिए खर्चे का अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा। बाकी तो जो बोरी सब लेके आए थे उसी में कर रहे हैं, अभी एक्स्ट्रा कुछ लेके नहीं आया, लेकिन हमने जो ऊपर लाइन थी ईंटों की, वो ईंटों की जो लाइन थी वो एक्स्ट्रा 15 पीस लेके आया था दोबारा में, ताकि थोड़ा हाइट हो जाए, हाइट होगा तो अच्छा रहेगा। अभी टाइल्स का काम चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर अंदर भी टाइल्स आएंगे जो इस साइड में होंगे, इस साइड में आएंगे और इस दीवार को भी आएंगे, ताकि पानी अगर बारिश का वगैरह को रुके सैंड के अंदर तो उसमें भी ना लीक हो। तो इस दीवार में भी पूरे के पूरे टाइल्स आएंगे, वॉल टाइल्स जो पुरानी दीवार है उसमें भी, जो नए दीवार हैं अंदर साइड से बाहर साइड से दोनों तरफ से, और नीचे जो सीलिंग है वहाँ पर भी टाइल्स लगेंगे। तो बाकी जो अंदर साइड के टाइल्स लगते हैं वो भी हमने लेके आ गए हैं, इस तरह के डिज़ाइन हैं। और जो नीचे लगेगा वो थोड़ा टूट गया नीचे गिर, जब ट्रांसपोर्टेशन टाइम पे टूट चुका है, तो सर्कल टाइप है, पूरा काम हो जाएगा तो आपको मैं दिखा दूंगा। अभी आज का अपडेट यही है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अपडेट कितना हुआ है, तो दो तीन दिन काम रुका हुआ था क्योंकि क्यूरिंग करना था दीवार को, इसलिए दो दिन तीन दिन के लिए हम लोग काम रुकाए थे और टाइल्स भी नहीं मिल रहे थे। अभी समहाउ मैनेज करके हमने इस तरह के टाइल्स लेके आए हैं। टाइल्स देखें यहाँ पर नीमो फिश है, देख सकते हैं मरीन फिशेस है और शार्क है, थोड़ा पॉन्ड को रिलेट हो इसलिए हमने इस तरह लेके आए हैं, पॉन्ड से थोड़ा रिलेट करता है ये। बाकी सारे बहुत सारे नॉर्मल भी मिल रहे थे, लेकिन हम ढूंढ के ये एक एक ही पीस ही मिलता है, एक बॉक्स में एक दो पीस आते हैं, तो इसलिए हमने चुन छाट के ये पीस लेके आए हैं। इस तरह और भी एक दो लेके आए थे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर ये जब टूलर में लेके आ रहे थे टूट गए, तो इसलिए ये वाले नहीं लगा रहे हैं, उस टाइप भी लगाना था, लेकिन फिर जो भी है काम हो रहा है, थोड़ा काम फास्ट ही हो रहा है और बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ ये कंप्लीट हो जाएगा एक दो दिन के अंदर। कंप्लीट होने के बाद हम टर्टल डाल के दिखाऊंगा किस तरह ये लगता है सैंड सब डाल के, ताकि टर्टल आराम से बैठ सके। अभी देखिए ये बहुत ही बड़ा है, हाइट भी हो चुका है, पहले थोड़ा हाइट कम था अभी हाइट ज़्यादा है, जिसकी वजह से टर्टल आराम से स्विम कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर जगह छोड़ी हुई है ताकि यहाँ से सैंड से टर्टल्स यहाँ पर आ सके, और यहाँ से लैडर वगैरह कुछ बनाएंगे, सीढ़ी जैसा कुछ, जिसे टर्टल्स आराम से जा सके उसके अंदर। बाकी और अपडेट्स आते रहेंगे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या हुआ, चार दिन हो चुका, तीन दिन हो चुके टर्टल्स का
पॉन्ड का क्या काम चल रहा है करके। और टाइल्स का जो है एक डिज़ाइन नहीं डाल रहे हैं, अलग अलग टाइल्स का, क्योंकि ये कम में मिला हम लोगों को। अगर आप सारा जो बॉक्स होता है लेके आएंगे तो 220 रुपीज़ पर बॉक्स मिलता है। इस तरह के अगर जो लूज़ लूज़ होते हैं अगर लेके आएंगे तो पर बॉक्स ये 150 रुपीज़ मिलता है। हम लोग मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि पैसा कम लगे, ताकि अगर आप इस लोग इस तरह घर में बनाने जाओ तो आपको भी थोड़ा आइडिया मिले। अगर आप बॉक्स लेते हो दुकान से जाके डायरेक्ट, तो वहाँ से आपको 220-250 रुपीज़ का बॉक्स मिलता है, जहाँ पर लूज़ भी मिलते हैं ये जो डेमो के होते हैं, वो लेके आओगे आपको कम पैसा पड़ेगा। यहाँ पर तो एक घर नहीं है, ये तो एक पॉन्ड जैसा है, कोई भी आप पीस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बाकी सब काम यही कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा इनको आता है। तो अपडेट्स और भी आएंगे आगे, आज का अपडेट यही है। नेक्स्ट वीडियो में अभी अपडेट नहीं दूंगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा डायरेक्ट टर्टल पॉन्ड रेडी होकर तैयार होकर किस तरह है वो बनाऊंगा। जो ऊपर का मेस है वो जैसा मैंने पहले भी कहा पेंडिंग रहेगा, अभी 8-10 दिन के लिए पेंडिंग रहेगा, क्योंकि अगर मैं अभी जाके ऑर्डर दूंगा तभी भी 4-5 दिन 5-6 दिन लगाएंगे वो जो गैरेज वाले होते हैं बनाने के लिए, उसके बाद ही ये हो पाएगा। अभी 4-5 दिन पेंडिंग रहेगा, लेकिन तब तक आपको वीडियो तो मिल जाएगा। वहाँ पर सैंड फिल कर दूंगा, जो प्लांट डाल है प्लांट्स डाल दूंगा, फिर पानी फिल करके टर्टल्स को छोड़ के दिखाऊंगा आपको किस तरह टर्टल्स लगते हैं या कंप्लीट हो चुका है। तो आज का टॉपिक यही है, आई होप ये आपको अपडेट पसंद आया होगा। आज वही बस यही अपडेट देना था मुझे कि किस तरह काम चल रहा है, पॉन्ड का कहाँ तक चल रहा है। लॉकडाउन है फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी में काम कर रहे हैं, और ये ख़त्म होने के बाद पेंडिंग रखे जो 5 फीट की टैंक है वो काम करेंगे। जब 5 फीट की टैंक ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ऊपर का मेस लगा देंगे। उसके बाद में जो एंजल फिश की टैंक है, जो एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास की टैंक है, वो बनाऊंगा। उसके बाद में इन फ्यूचर में हो सकता है 5-6 महीने लगे, उसके बाद यहाँ पर एक कोई पॉन्ड फिश आएगी 3 फीट बाई 6 या 7 फीट, देखेंगे कितनी जगह है वो देख के हम लोग बनाएंगे। शायद 6 फीट ही होगी, 6 फीट या 3 फीट की हाइट, 2 फीट की होगी। उसके ऊपर जो है जाली लग जाएगी कपड़े की, ताकि फिशेज जम ना करे। उसके अंदर कोई फिश या देखते हैं कौन सी फिशेस है, फ्यूचर में देखते हैं कौन सी अवेलेबल होती है, कौन सी बेस्ट होती है, वो लेकर रखते हैं। अभी काम तो चलने दो, होता रहेगा, अपडेट्स तो इस तरह आपको मिलते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो और एक बार, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पॉन्ड बताओ, तो और एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इसकी चौड़ाई फ़ीट कितनी है, तो इसकी देखिए चौड़ाई इस तरह से जो है 5 फीट है, इसकी लंबाई 5 फीट है, चौड़ाई जो है 4 फीट है। और अगर इसकी बात करें तो ये 3 फीट बाई 3 फीट के लिए 2-3 इंच कम थोड़ा आएगा, 3 फीट बाई 3 फीट है, स्क्वायर है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह 3 फीट है, इस तरह 3 फीट है, और ये जो 2 फीट है, यहाँ पर सैंड आएगा, मटके आएंगे, तड़के टटल आकर यहाँ पर बैठ सके, अंडे कुछ लेकर है तो आराम से रहे। और इसकी हाइट जो है ये नीचे से ऊपर तक पानी की, ये 2 फीट से ज़्यादा है, 2.5 फीट नहीं कह सकता, लेकिन 2 फीट से ज़्यादा है। नीचे भी टाइल्स आएंगे, और उसके लिए बास्किंग एरिया के लिए जाने के लिए वो भी अलग से एक अच्छा स्टाइल बना के दिखाएंगे। और भी बहुत सारे अपडेट्स आते रहेंगे आगे जाकर। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, इसके ऊपर और भी अपडेट चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर एक नेटवर्क के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।